नमस्ते एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी? आज हम करने वाले हैं स्ट्रेस फ्री योगा। यानी कि आपने देखा होगा कि काफ़ी बार हम हमारी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, बट उसके अंदर हमारा फिर भी हम इतनी मेहनत करते हैं, प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, बट फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल आसन बताने वाली हूँ जिससे आप अपना स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं और अपना हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, जो यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें ताकि मैं आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आसन रहेगा हमारा सुखासना पोजीशन। तो हम सुखासना पोजीशन में बैठेंगे, अपने राइट पैर को अंदर की तरफ एंड अपने लेफ्ट पैर को आगे की तरफ रखेंगे। अगर जो आप इस पोजीशन में, अगर जो आप कंफर्टेबल है तो आप इसमें बैठ सकते हैं, अदरवाइज फिर आप नॉर्मल पोजीशन पे आप बैठ सकते हैं। तो मैं इस पोजीशन में बैठ रही हूँ। उसके बाद अपने हाथों को हम हमारे नीज के ऊपर लेके आएंगे। कमर को स्ट्रेट करने के लिए हमारे शोल्डर को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे ताकि कमर एकदम स्ट्रेट हो जाए, और चेस्ट को अच्छे से ओपन करेंगे, कमर को एकदम सीधा रखेंगे, आँखों को बंद करेंगे और लंबी गहरी 2 से 3 बार हमें अच्छी से सांसें लेनी है। अपने आँखों को ओपन करेंगे, बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक रोटेशन। धीरे से हमें हमारी पूरी गर्दन को अच्छे से रोटेट करना है ताकि हमारी जो भी बॉडी के अंदर, जो भी हमारे जैसे कि स्ट्रेस के अंदर बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द करती है या फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा लो रहती है, तो वो हमारी नहीं होगी। तो हम क्लॉक वाइज पहले स्टार्ट करेंगे नेक रोटेशन। सांस लेते रहे, सांस छोड़ते रहे। अगेन वापस रिवर्स स्टार्ट करेंगे। बॉडी को रिलैक्स करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आसन रहेगा हमारा, अपने राइट पैर को हमें बाहर की तरफ ओपन करना है एंड अपने लेफ्ट पैर को अंदर की तरफ रखना है हमें, एंड अपने जो राइट हैंड है उसको बाहर की तरफ एंड बॉडी को साइड में बेंड करना है, चेस्ट को अच्छे से ओपन करना है। अगेन अपने राइट पैर को अंदर की तरफ और लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ ओपन करेंगे एंड वापस बॉडी को शोल्डर अच्छे से ओपन करेंगे एंड बॉडी को अच्छे से साइड में बेंड करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहे, सांस छोड़ते रहे। अगेन बॉडी को हम रिलैक्स करेंगे, वापस सुखासना पोजीशन में आएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अपने लेफ्ट पैर को अंदर की तरफ एंड राइट पैर को हम अच्छे से ऊपर की तरफ लेके आएंगे एंड इस पोजीशन में हमें होल्ड रखना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। अगेन बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अपने, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है अपनी बॉडी का जो ये वाला जो पोस्चर है रहेगा वो 90 डिग्री एंगल पे हमें रखना है। नेक्स्ट अपने हाथों को हम पूरा आगे की तरफ लेके जाएंगे, बॉडी को अच्छे से हम रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहे, सांस छोड़ते रहे।
एटलीस्ट हमें 5 से 10 सेकंड तक हमें होल्ड रखना है। अगेन बॉडी को रिलैक्स करेंगे। हमें अभी सांसों का ध्यान रखना है। एक लास्ट आसन है हमारा, इसमें भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा पूरा 90 डिग्री एंगल पे ही पोज रहेगा। नेक्स्ट हमारे सर को हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे एंड अपने हाथों को पीछे की तरफ। इस पोजीशन में हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा अपने सर का भी और हाथों का भी। एंड हमें होल्ड रखना है 5 सेकंड तक और एक लंबी गहरी सांस लेते रहनी है ताकि हमारे सर पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। अगेन बॉडी को हम रिलैक्स करेंगे। अब एक लास्ट आसन रहेगा हमारा सवासना पोजीशन। हम लेट कर पोजीशन बनाएंगे, अपने पैरों को हम थोड़ा सा हल्का सा ओपन कर लेंगे, हाथों को अच्छे से ओपन कर लेंगे, अपने पाम को हम अच्छे से ओपन कर लेंगे, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स कर लेंगे और जितना हो सके लंबी गहरी हमें सांसें लेते रहना है। एटलीस्ट आपको ये 5 मिनट तक होल्ड रखना है, ऐसे ही 5 मिनट तक लंबी गहरी सांसें लेनी है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम रहेगा और आप अपनी बॉडी को और भी अच्छे से रिलैक्स कर पाएंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहे, सांस छोड़ते रहे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आफ्टर 5 मिनट आपको अपने हाथों को अच्छे से नॉर्मल हल्का हल्का हिलाना है, अपने पैरों को नॉर्मल हल्का हल्का हिलाना है और अपनी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स कर लेना है, आँखों को ओपन कर लेना है। तो ये कुछ योगासन हैं जो हमें कंटिन्यू डेली बेसिस पे करने। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आप इन योगासनों को डेली बेसिस पे कर सकते हैं, जिससे आप अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।